अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार स्टीम चिकन बेक्ड की रेसिपी विद वेजिटेबल्स। सो ये मैंने रमज़ान में अपनी इफ्तारी में बनाया था और सबको बहुत पसंद आया था। आई होप आप भी इसको एंजॉय करें। तो सबसे पहले इसके लिए इसकी सॉस बनाने के लिए, जिसके लिए मैंने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है, ऑलिव ऑयल लेंगे आप, विनेगर लेंगे और ढेर सारे लेमन्स लेंगे। ये सब मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, जितना बड़ा आपका चिकन है, चिकन का पीस है उसके हिसाब से। अंदाजन मेरे ख़्याल से 1/3 कप मैंने इसमें ऑलिव ऑयल लिया होगा और 3-4 टेबलस्पून इसमें विनेगर किया है, और इसमें मैंने 3-4 बड़े साइज़ के लेमन्स लिए हैं। अगर आपके पास छोटे हैं तो उसके हिसाब से आप इसमें ऐड कीजिएगा, ये बड़े हैं तो ये मैंने 3-4 लिए हैं। तो अंदाजन मेरे ख़्याल से 3/4 कप ही इसमें लेमन ऑयल क्या होगा, लेमन ऑयल कह रही हूँ, लेमन जूस डाला है। फिर इसमें मैंने पेपरिका ऐड की है, ऑरिगेनो ऐड किया है और इनमें मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है। सॉल्ट आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं अपने खानों में बहुत कम सॉल्ट का एडिशन करती हूँ और इसमें ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं ऐड किया। सो अभी मैंने बेकिंग ट्रे लिया है, इसमें मैंने कुछ पोटैटोस जो है या आलू उनको क्यूब्स में काट के डाल दिया है, और अभी मैं इसमें कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ। जो जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, चिलीज इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें आप बड़े वाली चिलीज जो होती हैं, हरी मिर्च होती है वो भी ऐड कर सकते हो, आपको भी बहुत मज़ा आता है। मेरे पास छोटी थी, मैंने वो ऐड कर दी। फिर ये मेरे पास चिकन थी, होल चिकन, इसको मैंने कट्स इसके ऊपर लगाए और इसको भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया। अच्छा, इसको थोड़ा सा आपको लग रहा होगा इसकी शेप डी शेप हुई है, बिकॉज ये फ्रोज़न थी, मैंने इसको वॉश किया था, वॉश करके फ्रीज़ किया हुआ था और ये डिफ्रॉस्ट होने के लिए रखी थी, तो काफ़ी टाइम लग रहा था डिफ्रॉस्ट होने में क्योंकि मैंने वॉश ऑलरेडी की हुई थी। सो फिर मैंने इसको बेकिंग के लिए डाल दिया इसके ऊपर कट्स लगा के। अच्छा, कट्स लगा कर फिर इसके ऊपर मैं सॉसेस की ऐड करूँगी, और अच्छे से आपने इसके ऊपर चिकन के ऊपर और वेजिटेबल के ऊपर उनको सॉस को ड्रिजल करना है और अच्छे से इसके ऊपर मसाज करना है चिकन के ऊपर, ताकि इसकी हर कट के अंदर हर जगह पे ये सॉस अच्छे से चले जाए। जैसे ही ये सॉस इसके ऊपर अच्छे से चले जाएगी, फिर इसके ऊपर हम फॉइल अप इसको करेंगे हर जगह से, कि कहीं से हमारी जो स्टीम है वो बाहर ना जाए और वो ड्राई ना हो जाए, क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से कवर नहीं किया तो ये जो इसकी सारी सॉस है ये सब ड्राई आउट हो जाएगी और ये बहुत ड्राई ड्राई चिकन बनेगी, और वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ये सॉस जो है स्टीम में जब पकेगी और इस चिकन में पकेगी तो इस चिकन का जूस जो है वो निकलेगा और वो इस सॉस में मिक्स होगा, और ये सॉस बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, क्या आप इंजॉय करेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पर चिकन अच्छे से मसाज हो गया था, अब इसके ऊपर मैं ये क्लिंग रैप कह रही हूँ, सॉरी, एल्युमिनियम फॉइल जो है वो अच्छे से लगाऊंगी। मैंने इसकी 2 शीट्स ली थी ताकि ये आगे पीछे से हर जगह से अच्छे से कवर हो जाए। अच्छा, ये कवर करके मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए, आपने चेक करते रहना है, 15 से 20 मिनट के लिए 350 फ़ारेनहाइट के ऊपर बेक करूँगी इसको, और बीच में आपने एक दो बार इसको खोल के चेक करना है कि चिकन गल गई है या नहीं। अगर तो नहीं गली तो आप 5 मिनट्स और लगा सकते हैं, लेकिन इतने टाइम में ये गल जाती है क्योंकि स्टीम में कुक हो रही है तो बहुत जल्दी हो जाती है। ये मेरी फाइनल लुक है, तो मैंने इफ्तारी के ऊपर ये बेक्ड स्टीम चिकन बनाई थी, साथ में पकोड़े फ्राइज़ बच्चों के लिए बने थे, चना चाट थी और ये फ्रूट चाट थी।